में झगड़े होना आम बात है, लेकिन ये झगड़े कई बार इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बिग बॉस को बड़ा स्टेप लेना पड़ जाता है। वहीं बात करें इस सीजन की, तो इस सीजन में भी कई ऐसी लड़ाइयां देखने को मिल चुकी हैं। बात करें रुबीना दिलैक की, तो रुबीना दिलैक के बिग बॉस के घर के अंदर कई कंटेस्टेंट्स के साथ लड़ाई हो चुकी है, लेकिन हर बार ही उनके पति यानी कि अभिनव शुक्ला उनके साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन बिग बॉस के लाइव फीड में एक झगड़ा ऐसा हुआ है जिसमें अभिनव शुक्ला ने रुबीना का साथ छोड़कर एजाज खान का साथ दे दिया है। दरअसल लाइव फीड में देखने को मिला कि रुबीना दिलैक और एजाज खान के बीच में ड्यूटी को लेकर एक बुरी लड़ाई हुई, जिसमें एजाज खान ने रुबीना दिलैक को गालियां तक दे दी। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान अभिनव शुक्ला जो कि रुबीना दिलैक के हस्बैंड है, वो रुबीना को नहीं बल्कि एजाज खान को सपोर्ट करते नजर आए और रुबीना को ये कहते नजर आए कि वो अपनी बातों को ट्विस्ट करती है। रुबीना और एजाज की लड़ाई का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। हर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि रुबीना गलत हो या सही, लेकिन अभिनव शुक्ला इस बार उनकी साइड न लेकर एजाज खान की साइड क्यों ले रहे हैं? क्यों अभिनव शुक्ला एजाज खान को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये रुबीना और अभिनव का गेम है या फिर कोई और बात है? आपको बता दें कि इस पूरी लड़ाई में जहां अभिनव शुक्ला एजाज को सपोर्ट करते नजर आए, वहीं रुबीना का साथ दिया राहुल वैद्य ने। हैरानी की बात है, लेकिन राहुल वैद्य ने रुबीना का इस लड़ाई के अंदर साथ दिया और एजाज खान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। अब यहां पर ये समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस के घर के अंदर ये रिश्ते किस तरीके से बदल रहे हैं। क्या ये लड़ाई फेक थी या फिर सचमुच में राहुल वैद्य जो कि रुबीना के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो उन्हें सपोर्ट करते नजर आए? वैसे आपका क्या कहना है इस पूरी लड़ाई पर कमेंट करके बताएं। वहीं अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।